हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम गरम मसाला बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। गरम मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 20 ग्राम जीरा, 10 ग्राम काली मिर्च, 4 से 5 तेज पत्ता, 14 से 15 छोटी इलायची, 7 से 8 बड़ी इलायची, 2 जावित्री, 30 ग्राम साबुत धनिया, 5 ग्राम लौंग, 2 इंच की साइज वाली 4 दालचीनी, 5 मिनट के लिए सेक लेंगे। धनिया, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जीरा, काली मिर्च और तेज पत्ता डालकर मिला लेंगे। आप चाहे तो इन सारी सामग्रियों को धूप में भी सुखा सकते हैं या गैस पर भी सेक सकते हैं। पांच मिनट हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, अब इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। हमने इसे पीस लिया है। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। देखिए, हमें इतना बारीक पीसना है। गरम मसाला बनकर तैयार है। आप इसे कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और सब्जियों में डालकर सब्जी को और स्वादिष्ट बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।